हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश मिश्रा। इट्स टाइम टू बिगिन द रिवीजन ऑफ चैप्टर 13, इन विच यू विल लर्न द प्रोबेबली 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन, एंड इट मे बी रिलेटेड विद द 5 मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो यू शुड फोकस ओवर द डिफरेंट क्वेश्चन दैट आर एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिलोंग टू द चैप्टर नंबर 13, एंड दिस द चैप्टर Chapter 13, Organisms and Population. This is all about matter of class 12. We'll discuss in this video lectures. So, be with the video lecture in order to note down the concept whether it is necessary. And all questions and their probable answers should be mentioned in your copy. When the questions are similar, having the similar concepts, then there is no need to mention the two different kinds of questions. Only one questions are necessary. Actually, the questions are unique. It means one question is not related with the other questions. So, a bunch of questions and bunch of previous year practice revisional is actually bring for you in this video lecture. So, be with the video lecture in order to note down the concepts. I hope you have a pen, paper, stills in order to collect the knowledge of different previous year questions. So, without delay timing, let back over the question in order to revise the chapter number 13. After that, I will begin the principle of inheritance and variation from tomorrow onward. Now, back to the important question from previous year board. Yes, a board ki question hai from the chapter 13, Organisms and Population. Okay? एक एक क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम पिक करके उसका प्रोबेबल आंसर। देखो ये कई साल पूछे गए क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को मैंने यहाँ पे लिया हुआ। गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंटर इन डायपॉज एंड व्हाई। कह रहा है कि कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जो ऑर्गेनिज्म डायपॉज में इंटर करता है और क्यों इंटर करता है। डायपॉज में कौन इंटर करता है भाई? जू प्लैंकटॉन्स इंटर करते हैं। कौन इंटर करता है? जू प्लैंकटॉन्स इंटर करते हैं। क्यों इंटर करते हैं? इन ऑर्डर टू कूप द स्ट्रेसफुल एम्बियंट इन्वायरमेंट। हर्ष हैबिटेट को फेस करने के लिए इनके पास एक क्राइटेरिया होता है, एक एबिलिटी होती है, जिससे वो डायपॉज में इंटर करते हैं। ठीक है, आपको क्या बताया गया था? एक जो है सस्पेंड, एक एक्टिविटी बताई गई थी सस्पेंड, और ये सस्पेंड को कौन फॉलो करता है? जू प्लैंकटॉन्स। इस फिनोमिनन को कहते हैं डायपॉज। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल जीरो कर लेता है। ठीक है, चलो आते हैं। हाउ डू मेंशन हाउ डू बियर्स एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेसफुल टाइम इन विंटर। यहाँ पे स्केप वर्ड दे करके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। पूछ रहा है बियर्स जो है स्ट्रेसफुल टाइम विंटर सीजन में कैसे फेस करता है। तो आपको पता है बियर्स शो द हाइबरनेशन, बियर्स शो द हाइबरनेशन द लॉन्ग विंटर स्लीपिंग। बर्फ पड़ेगा, आराम से सो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइट द बेसिस ऑन विच ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑन इट्स कम्युनिटी एंड नेचुरल सराउंडिंग। कह रहा है कि कोई ऐसी बेसिस और क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जिससे कोई ऑर्गेनिजम्स जो है ऑक्यूपाई यानी कि जगह जो है स्पेस जो है कवर करता है अपनी कम्युनिटी में और नेचुरल सराउंडिंग में। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है। क्या बताया गया था आपको? कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल क्या बनाता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाती है कम्युनिटी, और कम्युनिटी क्या बनाता है? बायोम्स। एज वी नो दैट इंडिविजुअल इज द की इन्ग्रीडियंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन फॉर्म द कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी लेटर फॉर्म द बायोम, सो दैट द ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई इन सच अ मैनर दैट दे फॉर्म फर्स्ट पॉपुलेशन देन लेटर देन द कम्युनिटी एंड बायोम्स। इसको आप 1 मार्क्स में रीड करके लिख लेंगे। ये कब पूछा है? ऑल इंडिया 2013। इससे पहले दिल्ली 13 और दिल्ली 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सी का मतलब कंपार्टमेंट है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या? वाई आर सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज यूरीथर्मल एंड सम कॉल्ड स्टेनोहेलाइन। यहाँ पे जल्दबाजी में क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ यूरीथर्मल दे दिया है, यहाँ स्टेनोहेलाइन दे दिया है। तो इसका हम अलग तरह से डिफाइन करेंगे और इसको हम दूसरे ढंग से डिफाइन करेंगे। ठीक है, यूरीथर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे उसको मैं बता दे रहा हूँ, लिसन अच्छे से समझेंगे। यूरीथर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिजम्स दैट टॉलरेट द लॉन्ग और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड यूरीथर्मल, एंड ऑर्गेनिजम्स दैट टॉलरेट द वाइड रेंज और वेरी शॉर्ट टॉलरेट द शॉर्ट
रेंज ऑफ साल्ट वाटर कंसंट्रेशन, साल्ट वाटर कंसंट्रेशन कॉल्ड एज स्टेनोहेलाइन। देखो स्टेनोहेलाइन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन जो यूरी थर्मल कॉन्सेप्ट है ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल सबके लिए, ठीक है। तो ये जो आप अपने एग्ज़ाम में इसको अपने लेवल पे अपने ढंग से पहले क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। ये कब पूछा? 4 in 2011 में। चलो आते हैं नेक्स्ट। वाई आर ग्रीन प्लांट्स आर नॉट फाउंड बियॉन्ड द सर्टेन डेप्थ ऑफ ओसीन। मैंने पूछ रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे भरे पौधे होते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, वो डीप सी में, एकदम डीप सी में क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। ये डीप सी में हरे भरे पौधे क्यों नहीं होते? लिसन, एज वी ऑल नोन दैट द ग्रीन प्लांट्स पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल, द ग्रीन प्लांट्स पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल दैट रिक्वायर्ड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट रिक्वायर्ड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट मे बी 600, 680 to 710 बिलो द 680 द फोटोसिंथेसिस नॉट एबल टू परफॉर्म बाय द ग्रीन प्लांट्स। सो इन डीप सी द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लेस, दैट इज इट इज लेस देन 680 नैनोमीटर। द वेव लेंथ ऑफ लाइट इन डीप सी आर लेस देन 680 नैनोमीटर सो दैट इट कैन नॉट फाउंड इन सर्टेन डेप्थ ऑफ द ओसीन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मेंशन एनी टू एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स विच गेट क्यूज फ्रॉम डाइयूर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी। कह रहा है कि कुछ ऐसे दो एक्टिविटीज़ को बताइए जिससे ऑर्गेनिज्म से हमको क्या मिलता है, हमको कुछ आइडिया मिलता है, ठीक है, जिससे ऑर्गेनिज्म से हमको कुछ रीजन मिलता है जिससे वो डाइयूर्नल यानी दिन में जो मूवमेंट्स होता है या फिर सीजनल जो एक्टिविटीज़ होती है लाइट की इंटेंसिटी पे वो अपना मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, दिन में अपना मूवमेंट शो करते हैं या फिर रात में भी अगर मूवमेंट के लिए एग्ज़ाम में पूछ दे तो उसका कॉन्सेप्ट भी वही होगा, ठीक है। रात में मूवमेंट्स के लिए एग्ज़ाम में अगर पूछ दे तो भी उसका कॉन्सेप्ट वही होगा, दिन में पूछ दे तो भी उसका कॉन्सेप्ट वही होगा। वहाँ पर आपको फोकस करना है कि रात में पूछे या दिन में पूछे, जैसे भी पूछे तो यहाँ पर एग्ज़ाम, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है डे के केस में पूछा है, डे में कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना मूवमेंट शो करते हैं, रीजन पूछा है तो रीजन क्या होगा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने फूड के लिए, सबसे ज़्यादा कोई ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए ही एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। इसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम एनिमी, प्रिवेंट फ्रॉम एनिमी, एनिमी से बचाने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए दिन में इधर उधर भागते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो शेल्टर के लिए भी, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है शेल्टर के लिए भी मूवमेंट्स करते हैं। और लास्ट वन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको एक्सप्लेन करना है किसके लिए, डाइयूर्नल और सीजनल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज हाउ डू एनिमल्स लाइक फिशेस एंड स्नेल्स अवॉइड समर रिलेटेड अनफेवरेबल कंडीशन। कह रहा है कि फिशेस या स्नेल समर रिलेटेड अनफेवरेबल कंडीशंस में कैसे अपने आप को बचाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, क्या? एस्टिवेशन। क्या बताया गया था? एस्टिवेशन। दे शो लॉन्ग समर स्लीपिंग, दे शो लॉन्ग समर स्लीपिंग ड्यूरिंग द हॉट वेदर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट हाउ डू पिकली पियर्स हेल्प कैक्टस सर्वाइव इन डिजर्ट। कह रहा है कि कैसे पिकली पियर, कैक्टस एंड कैक्टस, ठीक है, पिकली पियर्स अलग होता है, कैक्टस अलग होता है, ये दोनों डिजर्ट में कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। देखो बहुत ब्रॉड आंसर होगा, आप एडॉप्टेशन करके एक वीडियो पढ़ा होगा, ठीक है, एडॉप्टेशन करके एक वीडियो पढ़ा होगा, एडॉप्टेशन, जीरो फिटिक एडॉप्टेशन और एडॉप्टेशन एट हाई टेम्परेचर। उसमें प्लांट वाले में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा लॉन्ग रूट स्पाइनी लीव्स, ठीक है, स्पाइनी लीव्स इवेपोरेशन को लॉस होने से, इवेपोरेशन में वाटर लॉस होने से बचाता है, और फ्लैसी स्टेम्स, ये सब कुछ कॉमन फीचर्स है
जो कैक्टस और पिकली पियर्स में कॉमन है, ठीक है। गिव टू मेथड्स, तो आप टू मेथड्स को एक्सप्लेन कर देंगे, लॉन्ग रूट, ठीक है, लॉन्ग रूट के एक्सप्लेन कर देंगे। डिजर्ट में क्या होता है, सैंड जो सॉफ्ट होते हैं और आसानी से लॉन्ग रूट अंदर आसानी से अंदर जा सकता है, ठीक है। और ये सर्च ऑफ वाटर, लॉन्ग रूट का एडवांटेज क्या है, वाटर जो है काफ़ी लो लेवल में होता है, जिसकी वजह से जो है वाटर और मिनरल सर्च करने के लिए लॉन्ग रूट जो है डीप इनसाइड द सी और डीप इनसाइड द सॉइल जो है ये मूव कर जाते हैं, ठीक है। इनसे इसको एडवांटेज मिलता है कि वाटर के सोर्स तक अपने रूट को पहुंचा पाते हैं। और क्या होता है, स्पाइनी लीफ, ठीक है, स्पाइनी लीव्स, फ्लैशी स्टेम, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पाइनी लीफ क्या होता है, वाटर लॉस होने से बताता है, और फ्लैशी लीव्स जो है वो क्या करता है, वाटर स्टोर करके रखता है। तो दो मेथड्स पूछा, एक कब पूछा, ऑल इंडिया 2010 में, कंपार्टमेंट सी लगा लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे सी लिखा है, इसका मतलब कंपार्टमेंट पूछा था। व्हाई इज पोलर रीजन नॉट सुटेबल हैबिटेट फॉर टीनी हमिंग बर्ड्स, ये आप जानते हैं बर्गमांस रूल्स के अकॉर्डिंग शॉर्टर एनिमल्स जो है वो अगर उनके एरिया कंपेयर में एरिया ज़्यादा है तो वो हीट लॉस ज़्यादा होगा, अगर कोई बिगर एनिमल्स है और एरिया उनका कम है तो हीट लॉस इसमें कम होगा। तो ये क्या होगा, एज़ वी नो दैट द शॉर्टर एनिमल्स हैज ग्रेटर चांस टू लॉस ऑफ हीट, ठीक है, एंड फील कूलिंग इफेक्ट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सुटेबल है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। हमिंग बर्ड्स की जो साइज होती है पोलर रीजन के अकॉर्डिंग नहीं होता, हमिंग बर्ड शॉर्टेस्ट बर्ड, आप जानते हो कि स्मॉलेस्ट बर्ड क्या होता है, हमिंग बर्ड्स, जो पोलर रीजन में पाया ही नहीं जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज लिस्ट एनी टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट हेल्प टू ग्रेजुअली गेट एक्लीमेटाइज टू हाई एल्टीट्यूड वैन यू गो फ्रॉम द प्लेन्स, वैन यू गो फ्रॉम द प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स क्या होता है, ऐसा नहीं एरोप्लेन, ऐसा कुछ नहीं, जब आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पूछ रहा है कि कौन कौन से एडॉप्टेशन है जिससे आप जो है हाई एल्टीट्यूड में जो प्रॉब्लम्स है उससे आप अपने आप को बचा पाते हैं, ठीक है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल। तो पहला फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है फास्ट ब्रीथिंग की वजह से आप तेज़ी से ऑक्सीजन को ट्रैप कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन आरबीसी। देखो जो जो एडॉप्टेशन हाई एल्टीट्यूड के लोगों को होता है ना, वही सब सारी चीज़ें आपके बॉडी में चेंजेज होनी चाहिए, ठीक है। आरबीसी हैज़ ग्रेटर एफिनिटी टू बाइंड विथ ऑक्सीजन, दैट इज एक्चुअली हीमोग्लोबिन, द पिगमेंट ऑफ आरबीसी रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच यू गेट बाय विच यू विल गेट अडॉप्टेड विद द हाई अल्टीट्यूड एंड देयर अडॉप्टेशन। आई थिंक दो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, बट द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज आस्क इन दिल्ली 2008, दैट इज इन कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन एम्फीबियन एंड बर्ड्स विच वन बी स्टेबल टू कोप विद द ग्लोबल वार्मिंग, गिव रीजन्स। कह रहा है कि एम्फीबियन और बर्ड में से कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा अच्छे से कोप कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से फेस कर सकता है, तो ये क्या होगा, बर्ड्स होगी, ठीक है। बर्ड्स जो है अच्छे से ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर पाएगा, एम्फीबियन अच्छे से ग्लोबल वार्मिंग को फेस नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, बर्ड्स आर एक्चुअली यूरीथर्मल, बर्ड्स आर द यूरीथर्मल एनिमल्स वाइल द एम्फीबियंस आर स्टेनोथर्मल एनिमल्स, इट इज स्टेनोथर्मल एनिमल्स। यूरीथर्मल एनिमल्स कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफन अराइज ड्यूरिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको आप ये क्राइटेरिया बना के लिखेंगे, एम्फीबियन और बर्ड्स को ऐसा नहीं कि वो वार्म ब्लडेड को, ऐसा कुछ नहीं, यूरीथर्मल एनिमल्स को क्राइटेरिया बना के लिखेंगे जब आप ग्लोबल वार्मिंग आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है और सबको आपको कॉपी में लिख डालने हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको आप स्टार मार दीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो सारा कॉपी में होने चाहिए ताकि आप फाइनल एग्जामिनेशन से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें। देखो 13 नंबर क्वेश्चन की, ये 13 नंबर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंसी बढ़ जाती है जब 14 नहीं रहता है, ठीक है। 13 अगर 14 इंटर किया होता तो 13 की कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन 14 नहीं रहने की वजह से 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, हाउ डू हर्ब्स एंड श्रब्स सर्वाइव अंडर द शेडो ऑफ बिग कैनोपाई ट्रीज इन फॉरेस्ट।
कह रहा है कि एक बहुत बड़ा कैनोपाई ट्री है, बहुत बड़ा कैनोपाई ट्री है, मतलब बहुत बड़ा ऐसा ट्री है जो मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है। उसके नीचे जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी श्रब्स हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? लिसन, उनका जो टेम्परेचर होता है, उनका जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है ना, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, दे आर एडॉप्टेड इन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन वेरी लो टेम्परेचर, दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन वेरी लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो द लो वेव लेंथ ऑफ लाइट। दे आर एक्चुअली द लो टेम्परेचर इज नॉट रिलीवेंट हियर, दे आर एक्चुअली अडॉप्टेड इन लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो दे एबल टू ग्रो इन साइड द लार्ज कैनोपाई ट्री। इफ द लार्ज इफ द कैनोपाई ट्री आर कवर द मैक्सिमम एरिया एंड अमॉन्ग देम सो मैनी हर्ब्स एंड श्रब्स आर ग्रो, देन द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दैट फैक्ट दैट इज दे द हर्ब्स एंड श्रब्स आर एक्चुअली आर एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दे आर एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट सो दैट दे आर एबल टू ग्रो इन अंडर द लार्ज कैनोपाई ट्री। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आते हैं, स्टेट द गैसेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गैसेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हेन टू इंडिविजुअल्स लाइव इन सच अ मैनर दैट वन इज सुपीरियर वाइल अदर इज इन्फीरियर एंड बोथ आर डिपेंड अपॉन द सिमिलर काइंड ऑफ फूड रिसोर्स, द फूड रिसोर्स आर सेम, द फूड रिसोर्स आर सेम फॉर द सुपीरियर एंड इन्फीरियर स्पीसीज, देन द इन्फीरियर स्पीसीज फ्रॉम द सिस्टम गेट एलिमिनेटेड, इट विल गेट एलिमिनेटेड। दिस फिनोमिनन इज नोन एज गैसेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? गैलापागोस आइलैंड पे जो टर्टल था, वो टर्टल का क्या नाम था? एबिंगडन। एबिंगडन नाम नहीं किसी टर्टल का था, ये टर्टल की स्पीसीज होती है। एबिंगडन टर्टल्स जो होते हैं, ये गैलापागोस आइलैंड का सबसे स्पेशल टर्टल होते हैं, गैलापागोस बताया गया था। ठीक है, इस गैलापागोस आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था? गोट को इंट्रोड्यूस किया, और ये एबिंगडन टर्टल एलिमिनेट हो गए। इसके अलावा आपको कोनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट भी बताया गया था, ये भी आपको पढ़ लेना है, जिसमें आपको बैलनस और कैथामिलस दो स्पीसीज किसकी बताई गई थी? दो स्पीसीज बताई गई थी बर्नाकल्स की, जिसमें से जो बैलनस था वो एलिमिनेट हो गया, कैथामिलस डाउनलोड कैथामिलस जो है ये रिसेसिव था, रिसेसिव मतलब ये जो है एलिमिनेट किया था, और बैलनस जो है वहीं सर्वाइव किया, ये डोमिनेट था, बैलनस जो है डोमिनेट था, कैथामिलस जो है ये रिसेसिव था। ठीक है, ट्रिक मैंने क्या दिया था? सी फॉर कैथामिलस एंड सी फॉर छोटा। ठीक है, इससे छोटा मतलब छोटी साइज का था और वो रिसेसिव था, रिसेसिव तो नहीं बोलेंगे, इन्फीरियर बोलेंगे, इन्फीरियर, ये गुड लॉजिक है इसके लिए। ये गॉसेस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको आप इंपॉर्टेंट मानिए, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 13 चैप्टर जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राइट, व्हाट डू फाइटोफेगस इंसेक्ट फीड ऑन? कह रहा फाइटोफेगस इंसेक्ट क्या फीड करते हैं? देखो, जब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था प्रीडेशन का, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था कि फाइटोफेगस इंसेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये एक्चुअल में फीड करते हैं सेल सैप, दे एक्चुअली फीड द सेल सैप। देखो, बहुत गंदी हैंडराइटिंग में हो गया, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, सेल सैप फीड करते हैं। ठीक है, जो लिक्विड मटेरियल होता है फूड वैक्यूल्स में स्टोर रहता है, इसको ये सक करते हैं। ठीक है, इसमें बटरफ्लाई आते हैं, ड्रैगन फ्लाई आता है, तो ये सब फाइटोफेगस इंसेक्ट है, सेल सैप फीड करते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेक्शन कॉल्ड बिटवीन कस्कुटा एंड शू फ्लावर? शू फ्लावर नहीं, शू बसेस है, कस्कुटा और शू बसेस के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है? देखो, कस्कुटा है बेटा पैरासाइट, कस्कुटा क्या है? पैरासाइट, इसको नोट कर लो, कस्कुटा पैरासाइट से, और ये कस्कुटा जहाँ कहीं भी रहेगा एक ही बिहेवियर शो करेगा, क्या शो करेगा? पैरासिटिज्म, तो नोट कर लो कॉपी में, पैरासिटिज्म इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द इंटरेक्शन कॉल्ड व्हेन एन आर्किड ग्रो ऑन द मैंगोज प्लांट, ऑन द मैंगो प्लांट? ये लास्ट टाइम मैंने बताया था,
ये क्या शो करता है? कॉमन सेलिज्म. क्या शो करता है? कॉमन सेलिज्म. इसमें ऑर्किड को फ़ायदा होता है लेकिन मैंगो को ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है. ऑर्किड को तो फ़ायदा होता ही है, मैंगो को कुछ नहीं होता. और ये इंट्रैक्शन बोलते हैं इसको, कॉमन सेलिज्म. और ये एग्ज़ाम में आते हैं. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट. वाई डू प्रीडेटर्स अवॉइड ईटिंग मोनार्च बटरफ्लाई. कह रहे हैं मोनार्च बटरफ्लाई को प्रीडेटर्स क्यों अवॉइड करते हैं? देखो, मोनार्च बटरफ्लाई एक तितली होती है, बहुत ही खूबसूरत तितली होती है मोनार्च बटरफ्लाई. ठीक है, बहुत अच्छी लगती है दिखने में. ये जब लार्वल स्टेज में होती है ना तो ये ग्रीन कलर की होती है. ये लार्वल स्टेज, इसका लार्वा जो होता है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है. और ये लार्वा जो है क्या करता है, ऐसे प्लांट्स पे ही ग्रो करता है, ऐसे प्लांट्स पे ही. एक्चुअल में जो मदर बटरफ्लाई होती है मोनार्च बटरफ्लाई, वो ऐसे प्लांट पे ही एग ले करती है जो टॉक्सिक प्लांट होते हैं. ठीक है, ऐसे प्लांट पे ही एग ले करती है जो क्या होते हैं, बाय नेचर टॉक्सिक होते हैं. तो ये टॉक्सिक प्लांट से ये क्या करता है, टॉक्सिसिटी यानी टॉक्सिक केमिकल गेन कर लेता है. कौन? लार्वा. ठीक है, कैटरपिलर लार्वा टॉक्सिसिटी गेन कर लेता है. और ये जीवन भर इसकी बॉडी में एक बैड स्मेल और टॉक्सिक सबस्टेंसेस एक्यूमुलेट करता है और ये रहता है. ये मरता नहीं है टॉक्सिक सबस्टेंस खा के, इसकी बॉडी में ये एक्यूमुलेट करता रहता है. जिससे कोई प्रीडेटर्स अगर खाना भी चाहे ना, जैसे कीड़े खाने वाले कोई प्रीडेटर्स, कैमिलियन हुआ, लिजार्ड हुआ, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स हुए, अगर इसको खाना भी चाहे तो उसको अवॉइड करते हैं. ठीक है, इसका रीजन क्या, जैसे ही खाएंगे तुरंत थूक देंगे. रीजन क्या, टॉक्सिक सबस्टेंस होता है. तो लिखेंगे द कैटरपिलर ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई गेन द टॉक्सिसिटी फ्रॉम द स्पेशल हर्ब्स वेयर दे लाइव. हाउ डज द बटरफ्लाई डेवलप दिस प्रोटेक्टिव फीचर्स, तो मैंने अभी बता दिया था, फ्रॉम द टॉक्सिक प्लांट्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं. नेक्स्ट है 18 नंबर. कमेंट्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन क्लॉन फिश लिविंग अमॉन्ग द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल्स. सी एनिमल्स के बीच में क्लॉन फिश रह रही है तो क्या होगा, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है. इसका एग्जाम्पल है कॉमन सेलिज्म का. ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म का. कॉमन सेलिज्म एक को फायदा होता है दूसरे को कुछ नहीं होता है. इसमें क्लॉन फिश जो इसके टेंटिकल्स में रह रही है, आपको पिक्चर भी मैंने दिखाया था वीडियो लेक्चर में, टेंटिकल्स में इसके रह रही है क्लॉन फिश, तो इसमें क्लॉन फिश को शेल्टर मिल जा रहा है, आसानी से इसके टेंटिकल्स में छुप जा रही है सी एनिमोन के शेल्टर में. इससे सी एनिमोन्स को कुछ नहीं नुकसान हो रहा है, ना कोई फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तुम्हारे घर के सामने दरवाजे पे कोई कुत्ता आके छुपा हुआ दूसरे कुत्ते से बचने के लिए, तो उससे तुम्हारा क्या नुकसान भाई, कुत्ता तो अपने आप को बचा लिया, तुम्हारा क्या फ़ायदा क्या नुकसान, कुत्ता भी तुम्हारा नहीं. 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे. नेम द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वेल एंड बर्नाकल्स. वेल और बर्नाकल्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन था बेटा, ये भी कॉमन सेलिज्म. ऊपर मैंने लिखा हुआ है कॉमन सेलिज्म, ये भी कॉमन सेलिज्म है. इसमें बर्नाकल्स को फ़ायदा होता है, वेल को कुछ नहीं होता है. ये लोड लेकर के एक एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है बर्नाकल्स को, बर्नाकल्स अपने स्पोर्ट्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स को स्प्रीड आउट करता रहता है एक एनवायरमेंट में. ठीक है, मेंशन एनी टू सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्रीडेटर्स प्ले इन नेचर. कह रहा है कि प्रीडेटर्स का, प्रीडेटर्स के दो कोई रोल बताइए एनवायरमेंट में. ठीक है, प्रीडेटर्स क्या करता है, इट रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ, दैट इज इट कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे. इट कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे. इट कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, कीप इन माइंड. एंड इट परफॉर्म द सिग्निफिकेंट बिहेवियर विद द इंटरेक्शन विद द पॉपुलेशन, इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दैट इज इट परफॉर्म द सिग्निफिकेंट बिहेवियर. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द प्रीडेटर दैट आई हैव हियर गोइंग टू फॉरगेट, दैट इज प्रीडेटर्स एक्ट एज एनर्जी कंडूइट्स. ये स्पेशल भी पूछता है, प्रीडेटर्स एक्ट एज एनर्जी कंडूइट्स, इसको मैं भूल रहा था. देखो प्रीडेटर्स क्या करता है, ट्रॉपिक लेवल वन में क्या है, कोई भी सपोज दैट ग्रीन प्लांट्स है, ये फीड कर रहा है हर्बीवर्स, तो हर्बीवर्स क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल टू को ऑर्गेनिजम्स. ट्रॉपिक लेवल टू को क्या ऑर्गेनिजम्स, यानी हर्बीवर्स को कोई कॉर्निवर्स फीड कर रहा है तो ये ट्रॉपिक लेवल थ्री को ऑर्गेनिजम्स हो गया. ठीक है, और इसको कोई और ऑर्गेनिजम्स अगर है तो ट्रॉपिक लेवल फोर को ऑर्गेनिजम्स होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कर दे रहा हूँ, जैसे ये प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स है यानी हर्ब्स है, इसको कौन खा रहा है, इसको कोई रैबिट खा रहा है,
रैबिट, और रैबिट को कोई कैट, और कैट को कोई वॉल्फ पकड़ लिया। तो यहाँ पे वॉल्फ को लिंडमान 10% के अकॉर्डिंग जो लॉ पढ़े होंगे 10th में, वॉल्फ को जो एनर्जी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, प्रोड्यूसर की एनर्जी जाएगी किस में, हर्बीवर्स में, हर्बीवर्स की एनर्जी जाएगी कॉर्निवर्स में, कॉर्निवर्स से 10% जाएगी एनर्जी वॉल्फ में। इसमें से प्रीडेटर्स कौन कौन है भाई, इसमें से प्रीडेटर्स हैं हर्बीवर्स प्रीडेटर्स हैं, कॉर्निवर्स प्रीडेटर्स हैं, और वॉल्फ खुद प्रीडेटर्स हैं। इसमें प्रीडेटर्स को एनर्जी कैसे मिली, प्रीडेटर्स को एनर्जी मिली हर्बीवर्स से और कॉर्निवर्स से। ये हर्बीवर्स और कॉर्निवर्स क्या है, ये खुद अपने आप में प्रीडेटर्स हैं। तो ये प्रीडेटर्स क्या किया, एनर्जी को कैरी करके लेके गया अपने नेक्स्ट टॉपिक लेवल में। सो प्रीडेटर्स एक्ट एज द एनर्जी कंड्यूट्स इन एन इकोसिस्टम, दिस कैन बी डिफाइंड एज द इन अ फूड चेन द वन ट्रॉपिक लेवल इज डिपेंड अपॉन द अदर ट्रॉपिक लेवल एंड ईच ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट सो दैट दे गेट एनर्जी फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड रिलीज टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सो दैट द प्रीडेटर्स परफॉर्म द एनर्जी कैरियर्स इन बिटवीन द प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर। यानी इस पौधे की एनर्जी अगर 1000 जूल है तो एनर्जी कुछ ना कुछ जूल जो है निर्माण 10% के अकॉर्डिंग इसको मिलेगा 10 जूल, इसको मिलेगा 1 जूल, इसको मिलेगा 0.1 जूल। ये जितना भी एनर्जी मिली ये कैसे मिली, ये बीच के ऑर्गेनिज्म से मिली। ये बीच के ऑर्गेनिज्म से अगर ख़त्म कर दें तो एनर्जी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है वॉल्व को मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्व जो है इसको नहीं खा पाएगा, प्रोड्यूसर को नहीं खाता है, ठीक है, इस वजह से वॉल्व जो है मर जाएगा, एनर्जी लेस हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोग लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पूछा था मैंने, 3 बताया, ठीक है। आते कंस्ट्रक्ट एन एज पिरामिड विच रिफ्लेक्ट्स एज, कह रहा है कि एक एज पिरामिड बताना है जिसमें आपको दिखाना है स्टेबल ग्रोथ और एक्सपेंडिंग। स्टेबल बनाने के लिए आपको करना क्या है, स्टेबल बनाने के लिए आपको नीचे के जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है और जो रिप्रोडक्टिव फेज है इक्वल रखना है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है। तो ये हो गया स्टेबल, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा स्टेबल। और अगर आपको क्या बनाना है, एक्सपेंडिंग बनाना है, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है और रिप्रोडक्टिव फेज को थोड़ा सा छोटा रखना है, और सबसे छोटा क्या रखना है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को रखना है। तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिंग, ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बना लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ अ पॉपुलेशन। देखो इसको तुम लोगों को पढ़ना है, इसका लिंक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, बस इतना समझ लो कि इसमें तुमको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और वैल्यू लिखना है, ठीक है। अगर आप ये पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और एक लिमिट्स पहले से असाइन कर दीजिए कि ये लिमिट्स रिप्रेजेंट करेगी खाने पीने की चीज़ें को, इसको आप कैरिंग कैपेसिटी बोलते हो, क्यों के, तो होगा क्या कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा इसी के अंडर में होगा, यानी कि हमको क्या मिलेगा एस शेप ग्राफ मिलेगा, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ठीक है। ये वैल्यू कब आएगी, जब वर्हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बनेगा, यानी कि लिमिट्स के अंदर ही, ठीक है, लिमिट्स यानी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है, पॉपुलेशन का ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही होगा। तो हमारा ये डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये हमको फार्मूला मिलेगा, इसी को आपको एक्सप्लेन कर देने का, इसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आर क्या है, आर इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये एग्जाम में आता है, और इसको डिफाइन करना, इट इज़ नोन एज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज दैट ओवरऑल फैक्टर्स बाय विच द ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी गेट अफेक्टेड, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, चेंजिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, वीडियो उसका पढ़ा होगा, फुल डिटेल लिख लेना। ये एग्जाम में देखो, एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है ना, मैं उसी को यहाँ पे पॉइंट आउट किया हूँ, बाकी को टच भी नहीं किया हूँ, बाकी को यहाँ पे मैं लाया ही नहीं हूँ, आपको रिवाइज सिर्फ आपको प्रॉबेबल आंसर प्रॉबेबल क्वेश्चन को ही यहाँ पे किया जा रहा है। प्रोवाइड टू रीजन्स दैट मेक द काउंट ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज डिफिकल्ट, दो ऐसे रीजन बताइए जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को काउंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पहली चीज क्या है, जितने भी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज है ना वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक यानी कि आँख से दिखाई नहीं देते, तो काउंट क्या करोगे। और दूसरा क्या है कि वो उनमें जो ग्रोथ रेट होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, दे हैव द हाई ग्रोथ रेट,
मतलब अभी एक है, एक घंटे बाद अगर काउंट करेंगे तो 2 से 4 हो जाएंगे, ठीक है। मींस ग्रोथ रेट उनका ज़्यादा होता है और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये आपको दिमाग में रख लेना है। इसी वजह से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिफिकल्ट करना, काउंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लिखेंगे कॉपी में द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, काउंटिंग अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ अब 0.1 दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड देयर ग्रोथ रेट्स आर वेरी हाई। डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 मार्क्स का थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देंगे। नीड माइक्रोस्कोप, वेरी स्पेशल डिवाइस तो जानते ही बनाना उनाना। चलो आते हैं 24 पे आते हैं। वाई डू क्लॉन फिशेज एंड सी एनिमल्स पेयर्स अप, ऊपर बताया गया था क्लॉन फिशेज रिक्वायर्ड द प्रोटेक्शन दैट आर अवेलेबल इन द शेल्टर्स ऑफ इन द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल्स, वॉट आर देयर रिलेशनशिप कॉल्ड, कॉमन सेलिजम ऊपर बता दिया गया था। चलो आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हाउ डज फ्लोरल पैटर्न्स ऑफ मेडिटेरेनियन ऑर्किड्स ओफायरस गारंटीज क्रॉस पॉलिनेशन, कह रहा है मेडिटेरेनियन ऑर्किड्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेडिटेरेनियन ऑर्किड्स का अपना जो फ्लोरल पैटर्न्स है ना, ये खुद गारंटी माना जाता है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। इसकी बॉडी डिजाइन ऐसी होती है कि मेल ऑटोमेटिकली फीमेल समझ के फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होता है और क्या पॉलिनेशन कर बैठता है, दैट इज नोन एज द स्यूडो कॉपुलेशन, दैट इज नोन एज द स्यूडो कॉपुलेशन। सो स्यूडो कॉपुलेशन इज द बिहेवियर व्हेन मेल अनफॉर्चुनेटली अट्रैक्ट बाय फॉल्स फीलिंग ऑफ फीमेल फ्लावर बाय द फीमेल मोथ, द मेल मोथ अट्रैक्ट टू द फ्लावर्स अनफॉर्चुनेटली बाय फीलिंग ऑफ फीमेल मोथ एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन दैट नोन एज द स्यूडो कॉपुलेशन, ठीक है, इसको बताया गया था। 26 पे आते हैं। मेंशन द चेंज इन कोयल मस्ट हैव अंडरगोज इन ऑर्डर टू अचीव ब्रूड पैरासिटिज्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। देखो कोयल बर्ड्स जो है, आपको पता है कि ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, कोयल बर्ड्स जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है। इसमें कोयल बर्ड्स का कौन सा ऐसा एडॉप्टेशन है जो थ्रू अ कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अभी भी कौवे के साथ बना हुआ है। एंशियंट इट वॉज बिलीव दैट द कोयल बर्ड दैट इज नोन एज कुकू एंड क्रो वॉज सिमिलर, बट लेटर ड्यू टू देयर बिहेवियर एंड पैटर्न्स ऑफ सिंगिंग द क्रो बिकम सेपरेट स्पीसीज फ्रॉम द कोयल्स, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन इन बिटवीन कोयल्स एंड द क्रो बिकॉज द थिंग्स आर एग कलर एंड साइज। सो द एग साइज एंड कलर, एग साइज एंड कलर आर द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चेंजेस दैट आर अवेलेबल इन कोयल्स, दैट एसेंशियल फैक्टर्स आर की पॉइंट दैट अवेलेबल इन कोयल्स एंड रिजेंबल विद द क्रो थ्रू अ कोर्स ऑफ टाइम सो दैट इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। ये आपको जानना है, कोयल के का जो अंडा होता है ना बिल्कुल कौवे के अंडे के जैसा होता है, दिखने में भी और कलर भी। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और है, 28 भी है ना। ये क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई कर्व ए एंड बी शोन इन द ग्राफ गिवन बिलो एंड लिस्ट द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल। ए क्या है और बी क्या है, ए जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ठीक है। ये ए क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और बी क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है, एग्जाम में आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अब क्या क्वेश्चन पर, लिस्ट द कंडीशन, इसमें क्या होगा, द रिसोर्स आर अनलिमिटेड, इसमें लिखेंगे रिसोर्स आर लिमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया 27। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हाउ परसेंटेज कवर इज मोर मीनिंगफुल मीजर्स ऑफ पॉपुलेशन साइज देन मियर नंबर्स। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है कि किसी पॉपुलेशन डेंसिटी में, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज दे करके तुमको कन्फ्यूज कर दिया है। पॉपुलेशन साइज मीन्स हियर द पॉपुलेशन डेंसिटी विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स अपॉन टोटल एरिया, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि पूछ रहा है कि यहाँ परसेंटेज कवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ पीपल्स में, तो लिखेंगे एज वी नो दैट द एरिया आर द की पैरामीटर्स टू नो द पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ पॉपुलेशन। If the area perform the key roles in a population for the calculation of population density, then the percentage cover to compare than the total number sometimes become higher. For example,
द लार्ज कैनोपाई ट्री व्हेन द लार्ज कैनोपाई ट्री ग्रो एंड ऑक्यूपाई 100 meter area एंड एट द एंड below the canopy tree there are millions of the parthenium grow so we can say that to compare than the millions of parthenium there is the single individual of big banyan tree or canopy tree that actually cover up the big area or the greater area to compare than the several parthenium grasses so that the area that covered by the canopy tree or the banyan tree are greater here the percentage cover is more meaningful so we can say that for the population the single banyan tree occupy the more than similar place which will be never occupied by the millions of the parthenium grass so sometime population sometime for the calculation of population size or population density the percentage cover become more meaningful तो ये आप अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर देंगे और पॉइंट कहाँ रखेंगे किसके कंपेयर में ये की यूनिट एरिया ये यूरी ये जो एरिया है ना किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी में ये जो एरिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखता है जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी मोर मीनिंगफुल हो जाती है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप अपने आप अपने हिसाब से फोकस कर लेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर फाइव मैंने बोला था 21st से अगर स्कूल ओपन हो रहा है तो हम चैप्टर फाइव को अक्टूबर में शुरू करते अदरवाइज अगर स्कूल नहीं ओपन होता है तो 21st के बाद से हम ये चैप्टर लास्ट चैप्टर होगा इसके बाद चैप्टर 14 है चैप्टर 14 सिलेबस से आउट है सिर्फ चैप्टर 15 पढ़ना है चैप्टर 16 भी नहीं है तो चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी वो कभी भी मैं ख़त्म कर दूंगा ये रेगुलर क्लासेस में ठीक है अब हम जो है नेक्स्ट जो है फोकस करेंगे चैप्टर फाइव में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन थैंक यू